हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड्स पार्ट वन जब हमने कंप्लीट किया अपना कंसिडरेशन का विच इज आर लास्ट लेक्चर हमने तब तक कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझने का कोशिश किया जैसे कि एक्ट एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसर प्रोमिस और एनी अदर पर्सन फ्रेंड्स अब हम डेफिनेशन देखते हैं कंसिडरेशन का माय डियर फ्रेंड्स अगर डेफिनेशन हम देखें कंसिडरेशन का तो जितना भी चीज मैंने आप सबसे बताया लास्ट क्लास में वो सब कुछ डेफिनेशन में है आइए देखिए डेफिनेशन का पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिस और एनी अदर पर्सन जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा आप सबसे कि प्रमिसी कंसिडरेशन दे दे या प्रमिसी के बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन कंसिडरेशन दे दे प्रोमिसर को सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन से मतलब है वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस डिजायर ऑफ प्रोमिसर मतलब कि भाई प्रोमिसर के डिजायर में ही प्रोमिसी या कोई भी अदर पर्सन कंसिडरेशन देगा इट सिंपली मीन्स कि अगर कोई वॉल्टरिली एक्ट आप कर रहे हो तो वो डिजायर ऑफ प्रोमिसर नहीं माना जाएगा प्रमिसर के डिजायर में अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसे प्रोमिसर का डिजायर माना जाएगा और वो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में आएगा ठीक है तो वेन आर द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन अब ध्यान दीजिएगा माइ डियर फ्रेंड्स यहां तीन इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है पास्ट कंसिडरेशन प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन आप लोग के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने अभी तक हमें पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो बताया ही नहीं तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आज बताऊंगा पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लियर है अभी देखिए ध्यान से व्हेन आर द डिजायर ऑफ प्रोमिस द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग हैज डन मतलब ये हो गया एक्ट मैंने बताया था ज डन मतलब ये हो जाएगा पास्ट हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूंग याद है एब्सटेंट फ्रॉम डूंग कोयला ने अपना शॉप नहीं खोला चांदी के लिए द नेगेटिव एक्ट द नेगेटिव पार्ट कि हमें यह काम नहीं करूंगा तो भी वो सामने वाला के लिए बन जाएगा कंसिडरेशन डॉ एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग ये क्या बन गया प्रेजेंट कंसिडरेशन ठीक है और प्रोमिस प्रोमिसेस टू तो डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग ये बन जाएगा फ्यूचर कंसिडरेशन सो so, कंसिडरेशन तीन टाइप का आपको मिल गया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीन टाइप का कंसिडरेशन होता है बट मैंने लास्ट क्लास में वो सारा टर्मिनोलॉजीज आप सबसे डिस्कस कर लिया हूं जो कि हमें कंसिडरेशन का डेफिनेशन को लर्न करने के लिए आराम हो सके हमने अगर डेफिनेशन लर्न करना चाहते हैं आप तो देखिए मेरे साथ बोलिए वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसर के डिजायर पे इट मीन्स वॉलेंट्रेली एक्ट आर नॉट कवर प्रोमिस और एनी अदर पर्सन इट मीन देयर कैन बी स्ट्रेंजर To the consideration, but there cannot be any stranger to the contract. Okay? Has done or abstain from doing. Has done but an act. Abstent from doing means negative act. Has done or abstent from doing. Abstance does or abstains from doing, it means present. Promises to do or abstent from doing, it means future. So per consideration can be past, it can be present, it can be future. एंड इसमें क्या होता है इसमें आपको, आपको सामने वाले के लिए या तो कुछ पॉजिटिव एक्ट करना होता है या तो कुछ नेगेटिव एक्ट करना पड़ता है क्लियर है सो so, वर्ड्स हमारे लिए क्लियर है आई थिंक डेफिनेशन भी बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा अब से मैं एक चीज बता देता बता देना चाहता हूं आप सबको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन क्या इट्स वेरी इजी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फ्रेंड्स पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर पास्ट में अगर किसी ने किसी के लिए कोई सर्विस रेंडर किया है अगर किसी ने किसी के लिए सर्विस रेंडर किया है तो वो बन जाएगा पास्ट कंसिडरेशन उसके लिए सपोज कीजिए मेरा जो एग्जाम्पल था मेरा जो कैरेक्टर्स थे जिनका नाम था सोना चांदी एंड कोयला सपोज कीजिए ध्यान दीजिए सपोज कीजिए कोयला वर्कड फॉर सोना फॉर वन मंथ ठीक है सो कोयला जो है वो सोना के लिए एक महीना काम किया एक महीना मीन्स कोयला रेंडर है सर्विस उसने सर्विस रेंडर किया सोना के लिए एक महीना के लिए अब टुडे अब सपोज कीजिए वन मंथ हम अगर डेट इसका ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा सपोज कीजिए फर्स्ट मई टिल थर्टी एथ में टुडे सपोज कीजिए फर्स्ट जून को सोना डिसाइडेड टू पे कोयला फॉर सर्विस रेंडेड बाई हिम एक आज एक बात बताइए सोना आज एक जून को यह डिसाइड कर रहा है कि वो कोयला को पैसे देगा फॉर द सर्विस रेंडेड बाई हिम इन द पास्ट कोयला का जो सर्विस है वो अभी नहीं हो रहा है कोयला का सर्विस तो ऑलरेडी हो चुका सोना के लिए ऑलरेडी हो चुका कोयला ने सर्विस जो दिया था वो दिया था इन द मंथ ऑफ मे सोना कब डिसाइड कर रहा है पैसा देने के लिए इन द मंथ ऑफ जून ध्यान दीजिएगा एक बात ध्यान दीजिएगा यहां पर भी डिजायर ऑफ प्रोमिसर आता है एक बात बताइए ना कोयला अगर ये सर्विस वॉलेंटरीली देता तो क्या सोना उसे पैसा देता नहीं, नहीं देता क्यों क्योंकि भाई उसका तो डिजायर था ही नहीं सोना का कोई डिजायर नहीं था बट कोयला जो है वो सोना के डिजायर पे एक महीना सर्विस रेंडर किया एक महीना सर्विस रेंडर किया एंड इसीलिए इसीलिए सोना आज डिसाइड कर रहा है कि वो कोयला को पे करेगा एंड उसका जो डिसीजन है ये फर्स्ट जून को हुआ है एंड जो जून फर्स्ट जून को जो डिसीजन ले रहा है सोना वो उस सर्विस के लिए ले रहा है जो सर्विस ऑलरेडी कोयला ने पास्ट में दिया है सो इन दिस केस ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन दिस केस कोयला सर्विस शैल बी रिगार्डेड एज पास्ट कंसिडरेशन किसके लिए फॉर सोना कोयला सर्विस शैल बी रिगार्डेड एज पास्ट कंसिडरेशन फॉर सोना क्लियर है ये था पास सर्विस पास सॉरी पास कंसिडरेशन जब आप पास्ट में कुछ काम ऐसा करते हो जिसके लिए आपको बाद में पेमेंट किया जाए तो जो सर्विस आपने रेंडर कर दिया उसे हम पास कंसिडरेशन बोलते हैं क्लियर है सर डिजायर ऑफ प्रोमिसर का आ, ठीक है चलिए मैं आपको डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का भी यहां पर एक एग्जाम्पल बता दिया अब बात आता है प्रेजेंट कंसिडरेशन ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट कंसिडरेशन का सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैश सेल कैश सेल क्या होता है अगर आपको सामान लेने जाते हो किसी भी शॉप में शॉप वाला आपको सामान देता है एंड आप उसके बदले में उसे कंसिडरेशन देते हो एज सिंपल एज दैट सो प्रेजेंट कंसिडरेशन का इससे बेहतर एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है दैट इज अ कैश सेल भाई एक ने अपना परफॉर्मेंस किया उसके अगेंस्ट में आपने उसे कंसिडेशन दे, दे दिया दैट्स इट सिंपली प्रेजेंट so, कंसिडरेशन जब भी आए तो दिमाग में बस हमेशा ये फोकस करना है कैश सेल या फिर अगर आज आप कहीं पर भी किसी भी शॉप में पेन पेंसिल रबर कैलकुलेटर कुछ भी खरीदने जा रहे हो और अगर आप उसे कंसिडरेशन वही देन एंड देर दे रहे हो इट मींस इट्स अ प्रेजेंट कंसिडरेशन अगर आपके यहां कोई टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं और उन्होंने अप्रैल मंथ में अगर पढ़ाया आप उसे मे मंथ में अगर पैसा दे रहे हो तो इट बिकम्स अ पास कंसिडरेशन फॉर यू और इजी सारे एग्जांपल्स आप रियल लाइफ में देख सकते हो डियर फ्रेंड्स आप इमेजिन कर सकते हो आप उसको जी सकते हो सब एग्जांपल्स प्रेजेंट कंसिडरेशन मींस कैश सेल अब बात आता है कि सर फिर फ्यूचर कंसिडरेशन क्या हुआ वो बताइए फ्यूचर कंसिडरेशन में ध्यान दीजिएगा इसे भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं मान लीजिए चांदी का जो शॉप है आई थिंक शॉप का नाम हमने फंटूस रखा था इफ आई एम नॉट मिस्टेक चांदी का जो शॉप है उसमें कोयला ने कुछ ऑर्डर प्लेस किया चांदी कोयला से ये बोल रहा है कि यार कोयला एक काम करो ना ये सामान अभी मेरे पास नहीं है सो so, हम ये सामान आफ्टर सेवन डेज डिलीवर करेंगे चांदी ने क्या कहा देर इज अग्रीमेंट टू सेल ठीक है किसके किसके बीच में चांदी एंड कोयला के बीच में जहां चांदी डिलीवर करेगा आफ्टर सेवन डेज कोयला ने कहा ठीक है चांदी अगर आप मुझे सेवन डेज बाद डिलीवर करोगे तो मैं भी आपको सेवन डेज बाद ही पेमेंट करूंगा सो कोयला का भी ये जो पेमेंट है ये पेमेंट आफ्टर सेवन डेज होगा ध्यान दीजिएगा ये दोनों का ही परफॉर्मेंस या कंसीडरेशन हम बोल सकते हैं ड्यू है अभी एंड इट शैल बी परफॉर्म इन फ्यूचर इसी को हम फ्यूचर कंसीडरेशन का नाम देते हैं माय डियर फ्रेंड्स फ्यूचर कंसीडरेशन सो पास कंसीडरेशन मैंने बता दिया प्रेजेंट कंसिडरेशन भी मैंने डिस्कस कर दिया और फ्यूचर कंसिडरेशन भी मैंने डिस्कस कर दिया एंड इन तीनों में कॉमन क्या है कि कंसिडरेशन एक पॉजिटिव एक्ट भी हो सकता है या फिर एक नेगेटिव एक्ट भी हो सकता है क्लियर है सो so अगर हम वापस से अगर हम कंसिडरेशन का डेफिनेशन में आए तो अब हम देखते हैं कंसिडरेशन का डेफिनेशन में क्या था वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ बोलिए वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर और रिमेंबर कीजिए कौन सा एक्ट हो सकता है जब वो एक्ट प्रोमिसर के डिजायर में हो इट मींस वॉलेंट्रीली एक्ट कवर्ड नहीं होगा सोना का वो रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लीजिए मक्खन मार के जब उन्होंने किसी, किसी गरीब गरीब को जब वो खाना खिला रहे हैं तो इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ठीक है बट अगर चांदी फैमिली आता है उसके रेस्टोरेंट में एंड ऑर्डर प्लेस करते हैं वो सर्व करते हैं तो फिर वो बन जाता है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर नेक्स्ट टाइम जब आप भी कोई रेस्टोरेंट में जाओगे तो इट मीन एट द डिजायर ऑफ वो रेस्टोरेंट वाले आपको सर्व करेंगे ठीक है सो वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिस और एनी अदर पर्सन याद कीजिए चांदी कोयला एंड सोना कोयला का ब्रेकअप हुआ कोयला सोना के रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर प्लेस करता है हंड्रेड बॉटल्स का कोल्ड ड्रिंक का ठीक है हंड्रेड बॉटल्स का टेन थाउजेंड रुपीज उसका बनता है टेन थाउजेंड रुपीज कोयला पे नहीं करके चांदी पे करता है सो वेन आर द डिजायर ऑफ प्रोमिस प्रोमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन अब आ गया पास्ट हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग भाई एक्ट है तो उसका नेगेटिव एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग मीन्स प्रेजेंट प्रोमिसेज टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग इट मीन्स फ्यूचर प्रेजेंट कंसीडरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल कैश सेल आज आप कहीं भी जाओ और कोई भी पेन पेंसिल कैलकुलेटर खरीदो बोलो कि यार ये प्रेजेंट कंसिडरेशन फ्यूचर कंसिडरेशन कुछ भी ऐसा ऑर्डर कर दो जो कि उस शॉप में अभी नहीं है और उस शॉप वाले को बोलो यार जब तुम मुझे डिलीवर करोगे ना तो ही मैं आपको पैसा दूंगा इट बिकम्स फ्यूचर कंसिडरेशन पास कंसिडरेशन भाई अगर आपके घर में कोई भी सर्वेंट है कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या कुछ भी है और उन्होंने अगर पास्ट में यानी कि अप्रैल मंथ का अगर सर्विस का पैसा आप मे में रहे हो तो वो गार्ड वो मेड ये सब के जो सर्विसेज जो कि पास्ट में आपको रेंडर हुए हैं दैट बिकम्स अ पास कंसिडरेशन फॉर यू ऑल डियर फ्रेंड्स आई थिंक थिंकेशन का डेफिनेशन अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आप सबने लर्न भी कर लिया होगा अब तक एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डियर फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ऑन दिस संट अलेवन ए एम हम लाइव सेशन कर रहे हैं स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो अभी फाउंडेशन देने जा रहे हैं ठीक है उनके लिए लाइव सेशन है एक टाइप का रिविजन फॉर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सो डू ज्वाइन एस ऑन दिस संडे एट अलेवन ए एम विद दिस आई गोइंग टू एंड दिस लेक्चर माई डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर चैनल थैंक यू